नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्निकल कंट्री यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ रियलमी के नार्जो 30 स्मार्टफोन के बारे में। वहीं पे करने वाला हूँ इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास ओपन बॉक्स रखा हुआ है यहाँ पर रियलमी नार्जो 30A का। एंड गाइज, ये एक जो स्मार्टफोन है बेस्ट बजट गेमिंग स्मार्टफोन आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है 9,000 रुपीज़ में मीडियाटेक का हीलियो G85 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा गेमिंग चिपसेट है इस रेंज में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि इसके अंदर आपको क्या कुछ फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं ऐसी मोबाइल एंड गेम से रिलेटेड वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो चल फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहे अपने पूरे कॉम्पोनेंट। तो साइज सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके बॉक्स से। तो गाइस, कुछ इस टाइप का बॉक्स हमें देखने को मिल जाता है। बॉक्स के पीछे कुछ जो है फीचर हाईलाइट किए हुए हैं, जैसे कि इसमें 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ। वहीं पर मीडियाटेक का हीलियो G85 का गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 6.5 इंच की एक HD+ स्क्रीन देखने को मिल जाती है। वहीं पर जो है 13 मेगापिक्सल का एक AI ड्यूल कैमरा सेटअप भी इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। तो गाइज, यहाँ पर जो मेरे पास है 3332 GB वाला, यानी 3/32 वाला है जो वेरियंट है, जो कि मैंने 9,000 रुपये का फ्लिपकार्ट से खरीदा था। 500 रुपये का डिस्काउंट है यहाँ पे। यहाँ जो है फाइनल प्राइस जो मेरे को पड़ी 8,500 रुपीज़ पड़ी। तो गाइज, सबसे पहले मैं बढ़ता हूँ इसके कंपोनेंट के ऊपर। तो गाइज़, ये रहा बिल। उसके बाद यहाँ पर कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाएगा एंड सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाती है हमको इसमें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको रखते हैं साइड में। एंड वहीं पर नीचे हमको जो है इसमें एक चार्जर एंड एक जो है USB केबल देखने को मिल जाती है। USB नहीं, यहाँ पर जो है हमको टाइप सी जो है केबल देखने को मिलती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो टाइप सी केबल हमें देखने को मिल जाती है, जो कि 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ हमें देखने को मिलते हैं। ये जो है मैंने मार्केट से प्राइस परचेज़ किया है इसका जो है बैक कवर। एंड वहीं पर जो है ग्लास भी मैंने लगवा लिया है इस पर। एंड यहाँ पर कुछ आप देख सकते हैं, इस तरह का लुक हमें देखने को मिल जाता है नार्जो 30 स्मार्टफोन का। यहाँ पर जो है मैंने इसको बूटअप भी कर लिया है। एंड यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इस स्मार्टफोन का फिंगरप्रिंट की किस तरह से जो है वर्क करता है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं टच करता हूँ और ये ऑन हो गया है फ़ोन। तो फिर से करता हूँ, तो यह जैसा कि आप देख सकते हैं, टच कर लिया और यहाँ पर फ़ोन अनलॉक। तो फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड गाइस, अब चलते हैं सबसे पहले इस फास्ट मोड की सेटिंग में। तो गाइस, यहाँ पर आपको जो है इसमें एंड्रॉयड का 10 देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉयड 10 यहाँ पर हमको प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाती है इस स्मार्टफोन में। और वहीं पर जैसा कि मैंने आपको बताया था, 3/32 GB वाला वेरियंट है मेरे पास। रैम आप देख सकते हैं 3 GB। और यहाँ पर जो है 32 GB में से 13.3 GB मेरे पास अभी अवेलेबल है। गाइस, यहाँ पर जो है रियलमी नार्जो 30 है, रियलमी UI पर 1.0 पर जो है ये फ़र्क करता है। एंड गाइस, अब बात करते हैं इस डिवाइस के कैमरा सेटअप की। तो गाइस, यहाँ पर जो है कुछ इस तरह का कैमरा हमें देखने को मिल जाएगा। मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ जो है इस स्मार्टफोन की शो करा दूँगा इसके 13 मेगापिक्सल के बैक कैमरा से, कि किस तरह की जो है फ़ोटो क्वालिटी हमें इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। वहीं पर अगर हम एक नज़र हम गेम के भी मारे, तो यहाँ पर मैंने पबजी को भी इंस्टॉल किया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने पबजी फ्री फायर इंस्टॉल कर लिया है। आने वाली वीडियोस में इन दोनों की जो है अपन टेस्टिंग करेंगे, फ्री फायर एंड पबजी की। तो गाइस, एक छोटा सा लुक मैं आपको यहाँ पर जो है पबजी का भी दिखा देता हूँ कि किस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है इसमें। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर गेम भी काफ़ी स्मूथ चल रहा है। हमारे को गेमिंग की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी मिलती है G85 में। बहुत अच्छा यहाँ पर जो एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है मुझको इसमें। तो गाइस, गेम भी काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट पूरी डिटेल जो है गेमिंग रिव्यू हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। एंड बढ़ते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू की तरफ। तो गाइस, यहाँ पर आपको जो है साइड में वॉल्यूम ब्रोकर एंड पावर कीज देखने को मिल जाती है। ऊपर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। वहीं पर नीचे आपको जो है यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट, उसके बाद जो है 3.5 mm का जैक, स्पीकर एंड यहाँ पर जो है आप इसको कह सकते हैं माइक्रोफोन, यहाँ पर आप इसको जो है बोल सकते हैं माइक्रोफोन देखने को मिल जाते हैं। और गाइस, डिज़ाइन यहाँ पर जो है मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इस स्मार्टफोन का। यहाँ पर जो है ड्यूल टोन या फिर आप कह सकते हैं ड्यूल स्टाइल वाला, यहाँ पर प्लेन और यहाँ पर जो है थोड़ा डिज़ाइन वाला लुक देखने को मिल जाता है, यानी ड्यूल लुक हमें देखने को मिल जाता है नार्जो के 30A में। और यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी अक्षरों में लिखा हुआ है रियलमी डिज़ाइन बाय रियलमी नार्जो। तो गाइस, काफ़ी अच्छा डिवाइस है। अगर आप इसको गेमिंग के पर्पज़ से लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली लीजिए। G85 9,000 रुपीज़ में आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाती है इस डिवाइस में। आने वाली वीडियोस में इसकी जो है गेमिंग टेस्टिंग भी होने वाली है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।